Welcome to Science Classes. We are back with another video. Today's video is related to class 9 subject science. So today we are going to discuss formulas of all chapter of class 9 subject science. So let's begin the class. So we will discuss these chapters in which we will find numerical formulas. Formula of chapter 1, matter in our surroundings. So first, relation between Celsius scale and Kelvin scale. Okay, so to measure the temperature we have Celsius scale and Kelvin scale. Now if we want to find temperature in Kelvin, and we have been given temperature in degree Celsius, then temperature is in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273. Okay, तो हमें क्या करना होगा, जो हमें सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में हमें जो है टेम्परेचर दिया गया है उसमें हम 273 को एड कर देंगे तो वो जो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा वो केल्विन में हो जाएगा, दैट इज इन केल्विन. ओके, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस देन वी शुड सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम टेम्परेचर इन केल्विन. तो हमें क्या करना होगा, हमको टेम्परेचर केल्विन में गिवन होगा उसमें से हमको 273 को सब्सट्रैक्ट कर देना है यानी घटा देना है, तो जो टेम्परेचर हमको मिलेगा वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये इन दोनों में आपस में रिलेशन है. ओके, नाउ सेकेंड इज रिलेशन बिटवीन फेरनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल. तो इसी तरह से एक फेरनहाइट स्केल भी होती है, ठीक है, टेम्परेचर को हम जो है फेरनहाइट में भी जो है मेजर करते हैं, हम इनको भी इंटरचेंज कर सकते हैं. तो हमें अगर टेम्परेचर को डिग्री फेरनहाइट में फाइंड करना है और हमको डिग्री सेल्सियस में गिवन है, देन फॉर्मूला हो जाएगा 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32. तो इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने पर टेम्परेचर हमारा डिग्री फेरनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, नाउ इफ फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर. सो फर्स्ट मास बाय मास परसेंटेज. ओके, हमें फाइंड करना है मास बाय मास परसेंटेज. तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ओके, हम जो है सॉल्यूट की यानी विलेय पदार्थ जो होता है उसकी कंसेंट्रेशन यानी कि सांद्रता हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें गिवन होगा मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूशन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमें कंसेंट्रेशन मिल जाएगी किसकी, सॉल्यूट यानी विलेय की. नाउ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की सांद्रता हमें फाइंड करनी है, ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो यहां पर क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जो विलेय पदार्थ है उसका मास होगा और जो सॉल्यूशन यानी जो विलयन है उसका क्या होगा, आयतन होगा, है ना, वॉल्यूम होगा, ठीक है, इनटू 100. तो इससे आप जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की सांद्रता फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यहां पर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू जो है सॉल्यूट का भी वॉल्यूम है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है. ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, इनटू 100. इसको सॉल्व करने पर आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी कि विलेय पदार्थ की सांद्रता फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो विलेय पदार्थ की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के लिए हमारे पास में तीन फॉर्मूले हो गए, मास बाय मास परसेंटेज हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज
हो गया। ओके, तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपको क्या गिवन है वैल्यूज। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इससे भी जो है हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। ओके, नाउ फॉर्मूला ऑफ चैप्टर थर्ड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सो फर्स्ट मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस अपॉन 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, तो हमें जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है किसी भी जो है सब्सटेंस का। ठीक है, तो उसके लिए उस सब्सटेंस के एक एटम का मास अपॉन 1/12 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जो मास होता है, ठीक है, उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कार्बन का जो वन एटम मास है उसको हमने एक रिलेटिव वैल्यू माना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इससे हम किसी भी जो है सब्सटेंस के एटम का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव मास फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ चैप्टर थर्ड एटम अगेन, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ओके, तो इसका एक सिंपल सा मेथड है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, तो उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना, तो जो वैल्यू हमारे पास में आती है दैट इज मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। Now, formula unit mass, again, the sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of a substance is called formula unit mass. तो कोई substance है, उसका एक unit formula जो होता है ना, एक जो सूत्र है, उसमें जितने भी परमाणु हैं, उनके परमाणु द्रव्यमानों का योग, the sum of atomic masses, उनका योग जो है, that is formula unit mass, हम उसको add कर देंगे। ठीक है, इसके लिए कोई formula नहीं है। ठीक है ना, बेसिक बात हमको ये ध्यान रखनी है कि जो भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट हमारे पास में होगा दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। तो मॉलिक्यूलर मास और ये सेम हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, नाउ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, अब यहां पर क्या है, When the masses of a compound and each element are given, ठीक है, जो भी compound है और जो elements हैं उनके masses हमको given है तब, ठीक है, तो उस समय formula क्या use में लेंगे, mass percentage of an element, mass of element in the given mass of the compound, ठीक है, जो भी compound है उसमें जो elements हैं उनके mass होंगे वो upon total mass of the compound, ठीक है, टोटल मास कंपाउंड का क्या हो जाएगा वो इनटू 100। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर वी विल गेट मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। नाउ अब इसका सेकंड है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड में क्या हो जाएगा, व्हेन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन। यहां पर क्या होगा कि हमें कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है और जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस गिवन है। ठीक है, उस कंडीशन में मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ठीक है, तो इससे हम जो है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। Now, it is most important mole concept. Mass of one mole of a substance is called molar mass. Mass of
वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के वन मोल का मास जो है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। ठीक है, नाउ वन मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम, कोई भी सब्सटेंस है उसका वन मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा, इन मोल इज 6.022 × 10⁻², ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोल, एक है ना, इन वन मोल, जो जो वन मोल है उसमें किसी भी सब्सटेंस के कितने पार्टिकल होंगे, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल है, आयन हो, 6.022 × 10⁻²। ओके, दिस इज द कांस्टेंट एंड फिक्स वैल्यू, सो 6.022 × 10⁻²  इज एवोगाड्रो नंबर एंड इज जनरेटेड बाय NO। ठीक है, ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर ही है, एवोगाड्रो नंबर। सो वन मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²। ठीक है, ये पार्टिकल्स होंगे एक वन मोल में, कोई भी एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, तो अब ये जो बेसिक हमने अभी समझा, अब हम जो है इससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स डिनोटेड बाय स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास स्मॉल m अपॉन मोलर मास कैपिटल m। सो नंबर ऑफ मोल हम फाइंड कर सकते हैं, गिवन मास होगा सब्सटेंस का अपॉन मोलर मास, डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल फाइंड हो जाएंगे। ओके, द सेकंड फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n एंड एवोगाड्रो नंबर NO। एवोगाड्रो नंबर अभी हमने देखा था, ठीक है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो इससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। फाइंड मास, मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोलर मास हमको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हम मास फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनके नंबर हमको फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर एम अपॉन कैपिटल एम इनटू NO। इससे भी आप जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। पार्टिकल्स क्या, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। ओके, नाउ द फॉर्मूला ऑफ चैप्टर फोर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एटॉमिक नंबर कैन बी डिनोटेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, दिस इज द फॉर्मूला वेयर ए इज मास नंबर, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सो वी कैन फाइंड मास नंबर थ्रू दिस फॉर्मूला एज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ओके, फॉर्मूला ऑफ चैप्टर एर्थ, चैप्टर इज मोशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर। पी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, वेयर पी इज एवरेज, एवरेज स्पीड, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, एस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूनिट मीटर, टी टोटल टाइम टेकन यूनिट सेकेंड। ओके, सो वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। नाउ वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, वेयर दिस इज एवरेज वेलोसिटी, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, एवरेज वेलोसिटी वी ए वी, u is initial velocity, unit is meter per second, and v is final velocity,
यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी वेयर ए इज एक्सिलरेशन यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वी फाइनल वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड यू इनिशियल वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड टी टाइम टेकन यूनिट सेकेंड। ओके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ठीक है त्वरण का एक्सिलरेशन। नाउ मोशन इन सर्क्यूलर पाथ v is equal to 2 pi r upon t. This is motion in circular path. Now three important equations of motions. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and third is 2as is equal to v square minus u square. These are very important three equations of motions where a acceleration unit meter per second square, v final velocity meter per second, u initial velocity meter per second, t time taken unit second, s displacement or distance unit meter. Formula of chapter 9 force and laws of motion. P is equal to mv where p is momentum unit kilogram into meter per second, m mass unit kilogram, v velocity unit meter per second. The second formula F is equal to ma where F force unit newton, m mass unit kilogram, a acceleration unit meter per second square. Now rate of change of momentum m into v minus u upon t, rate of change of momentum where v final velocity and u initial velocity and t time, m mass. Okay, formula of chapter 10 gravitation. F is equal to g capital M into small m upon d square where F force unit newton, g is universal gravitation constant, value a of g is 6.673 into 10 to the power of minus 11 newton meter square per kilogram square. Okay, capital M mass of body A in kilogram, small m mass of body B unit in is kilogram, and D distance between body A and B unit meter. Second formula capital Z is equal to F D square upon M into small m. Okay, and the next is small g is equal to G M upon D square where small g is gravitational acceleration unit meter per second square, g or capital Z universal gravitational constant 6.673 into 10 to the power minus 19 newton into meter square per kg square, m mass of earth, and d distance between earth and the object unit meter square. Gravitational acceleration near surface formula is small g is equal to g m upon r square where capital G is universal gravitational constant, this is the fixed value of capital G, m mass of body, unit is kilogram, and r radius of the earth. Now the next formula W m is equal to 1 by 6 into W e where W m weight on the moon and W e weight on the earth. Pressure is equal to thrust upon area. We can find the pressure. P is pressure unit newton upon meter square. Okay. F
thrust unit newton and a is area unit meter square. Now the relative density is equal to density of a substance upon density of water. So we can find relative density through this formula. Formulas of chapter 11th, work and energy. W is equal to Fs, where W work done, newton into meter or joule, F force unit newton, S displacement unit meter. W is equal to Fs cos theta. Okay, so we can find work through this formula. Now, Ek is equal to 1 upon 2 mv square, where Ek kinetic energy unit joule, m mass unit kilogram, and v velocity meter per second unit. Okay. W is equal to mgh, where W is potential energy unit joule, m mass, g gravitational acceleration, value of small g is 9.8 meter per second square, and h height or displacement unit meter. P is equal to W upon T, where P is power unit joule per second or watt, W work, T time. Now energy consumed is equal to power into time upon 1000. Okay, so we can find energy consumed by different electrical appliances through this formula. Formula of chapter 12, chapter sound. So mu is equal to 1 upon T, where mu is frequency unit hertz, T time period unit second. V is equal to lambda upon T, where V is speed, lambda wavelength, unit meter, T time period. Okay. And V is equal to lambda into mu, where V is speed, lambda wavelength, and mu is frequency. So we can find the frequency, speed of, okay, wavelength through these formulas. So these are the important formulas of all chapters of class 9th subject science. Okay. If you like the video, subscribe the channel Science Class by Nisha and Himika Saxena. See you in the next video.